नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। उन्नाव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आज दोपहर को एक युवक की लाश पड़ोस में रहने वाली एक युवती के घर से मिली। लाश जो धुन्नी होती है, आप जानते होंगे जो पुराने घर रहते हैं वहां पे जो धुन्नी होती है लकड़ी की मोटी मोटी, उस धुन्नी से लटक रही थी। लड़की ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब लड़के की फोटो आप देख रहे हैं। वहीं इस दौरान चर्चा यह है कि लड़का और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं लड़की का कहना है, जिसके बाद बताया कि प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़के के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताई। उनका कहना है कि उन्हें लग रहा है कि बेटे की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है। ये उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। वहीं लड़की का जो कहना था, जिसके घर में लाश मिली, उसका कहना है कि वो घर पर अकेली थी। पिता जो उसके थे वो खेत पर गए हुए थे और चूंकि उसके माँ नहीं है, माँ की 2 साल पहले मौत हो चुकी है, लड़की घर पर अकेली थी। ये लड़का पिछले कई सालों से उसका जबरदस्ती पीछा कर रहा है। एक तरफा प्यार मतलब लड़का करता था और आज वो घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था और जबरदस्ती उससे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था और ये भी धमकी दे रहा था कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो उसके घर में फांसी के फंदे से लटक जाएगा। लड़की ने जब ये देखा कि लड़का इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो अपने पिता को बुलाने के लिए खेत चली गई। इधर जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि लड़के का जो लाश है वो फांसी के फंदे से झूल रही है, धुन्नी से लटक रही थी, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। ये एक दिल दहला देने वाली वारदात है और कहे कि प्यार में एक और आशिक फना हो गया। अब भले ही एक तरफा था कि दो तरफा था, ये जांच का विषय है। जो लड़के का पिता है उसका कहना है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और पहले भी इस चीज के लिए झगड़ा हो चुका था और आज जब लड़का घर पे अकेला था तब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा क्या कि लड़के के साथ किसी तरह की जबरदस्ती कि कहीं कोई निशान दिखते हैं कि नहीं दिखते, वो सामने आएगा। पूरी घटना क्या है हम आपको तफसील से वो भी बता देते हैं कि घटना कहाँ की है, क्या कब क्या हुआ। जो सबसे पहले ये घटना है, हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बक्सी खेड़ा गांव के रहने वाले राम प्रसाद का 22 साल का बेटा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है दीपक, का पड़ोस के में रहने वाली एक युवती है जिससे बताया जा रहा है कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहां पे घर के अंदर ही पिछले हिस्से में, युवती के घर के पिछले हिस्से में एक जो धुन्नी होती लकड़ी की, उससे दुपट्टे से लटकता हुआ शव मिला। इसकी सूचना लड़की ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और जिसमें युवती ने बताया कि पिता खेत पर गए थे, माँ की 2 साल पहले ही मौत थी और वो घर पर अकेली थी। इस दौरान लड़का जो दीपक था वो उसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था पीछे से, मतलब पीछे जहाँ धुन्नी थी, जहाँ उसने बताया जा रहा फंदे से लटका शव मिला था, वहाँ पर वो आया और जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लड़की ने दरवाजा बंद कर रखा था। इस दौरान बताया जाता है कि लड़के ने लड़की को धमकी जैसी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर फंदे से लटक जाएंगे। लेकिन लड़की ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, वो अपने पिता को बुलाने के लिए चली गई। इस दौरान जब लौट के आई तो उसने देखा कि धुन्नी से लड़का दीपक जो है उसका शव फंदे से झूल रहा है। इसके बाद पुलिस को पूरी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस जांच पड़ताल करी। बताया जा रहा है जो मृतक दीपक है, इसके 2 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें छोटा भाई रौनक 12 साल का है, बहन है एक 17 साल की और एक 15 साल की बहन है और 13 साल की बहन है, और ये फिर दीपक था। इसका खुमार इनके सर पर खूब सवार था। इस संबंध में हसनगंज कोतवाल राजेश त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी घर के पीछे खुले कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव लटकता हुआ मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। वहीं जो मृतक के पिता राम प्रसाद ने बताया कि जो सभी बहनें दीपक की थी वो बुआ कुसुमा के यहाँ फकरुद्दीन मऊ गांव बृहस्पतिवार को मेला देखने गई थी। युवक जो था वो घर पर अकेला था। वहीं जो युवक की माँ है फूल कुमारी, वो लुधियाना में रहकर काम करती है, पिता भी लुधियाना में रहकर काम करता है और पिता 15 दिन पहले ही यहाँ वापस आया था जबकि माँ अभी भी लुधियाना में। मृतक के पिता ने फांसी लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।
पिता ने बताया कि इससे पहले भी इन लोगों के साथ मुकदमा चल रहा है। लड़की और लड़के के बीच में प्यार का मामला चल रहा था और दीपक पर एक साल पहले इसी युवती से छेड़छाड़ के मामले का आरोप लगाकर कि लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है, जिसकी शिकायत लड़की वालों ने पुलिस में की थी, जिसके बाद दीपक को गिरफ्तार किया गया था और 3 महीने दीपक बताया जाता है जेल में भी रहा था। और जो लड़की के पिता है उसका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जबकि लड़की के घर वालों का कहना है कि प्रेम प्रसंग जैसा कुछ मामला नहीं था, एक तरफा ये लड़के जबरदस्ती उसकी लड़की के पीछा पड़ा था। आज कैसे क्या घटनाक्रम हुआ इसके बारे में पिता कहना है आज उसे मालूम नहीं पड़ा, वो घर पर था नहीं, और ये बस पता जब पता चला कि पड़ोस के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ उसके बेटे का शव मिला है तब वो आए हैं। और उसे शक ऐसा है कि लड़की के घर वालों ने ही बेटे की को फंदे से लटका कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अलग अलग तथ्य, कुछ लोग कहना है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था, कुछ लोग कहना है कि प्रेम प्रसंग नहीं था। लड़की का कहना है कि प्रेम प्रसंग नहीं था, ये लड़के जबरदस्ती मेरे पीछे था और एक साल पहले इस मामले में दोनों परिवारों में झगड़ा भी हुआ था और लड़की पक्ष ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लड़के पर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 3 महीने तक बताया जाता है लड़का जेल में भी बंद था। और इसके बाद जब लड़का 3 महीने बाद जमानत प्रमाण पत्र छूट के आया है तो अभी केस चल रहा है बाकायदा। आज ये घटना हुई है, बताते हैं लड़की कहना है कि वो घर पर अकेली थी और लड़का जबरदस्ती उसके घर पर घुसने की कोशिश कर रहा था। लड़की किसी तरह अपने पिता को बुलाने गई, इधर लड़के ने ही खुद को फांसी के फंदे में झुला लिया, ये लड़की पक्ष का कहना है। लड़के पक्ष का जो पिता है बेटा है उसको कह रहा है, पिता कह रहा है कि बेटे की हत्या की गई। पुलिस कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये मामला खुल पाएगा कि आखिर असल वजह क्या है, क्या जबरदस्ती किसी ने लड़के को फंदे से लटकाया है या खुद उसने ऐसा काम किया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो जाएगा। वहीं गांव में भी तरह तरह की चर्चाएं हैं, गांव के लोगों का कहना है कि हाँ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग तो था और झगड़ा होने के बाद लड़की ने इस लड़के से अपना नाता तोड़ लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की आग इतनी जल्दी बुझाई नहीं बुझती, वही कहानी थी, लड़की ने भले अपने आप को समझा लिया हो किसी तरह से, लड़के की प्यार की आग बुझ नहीं रही थी और वो किसी तरह से लड़की से बात करना चाह रहा होगा। और इसी कड़ी में जब आज उसने देखा कि लड़की अकेले है तो वो शायद उसके घर में घुसकर उससे बात करना चाह रहा हो या मिलना चाह रहा हो या कुछ भी कहना चाह रहा हो, वो घुसने की कोशिश करता है और उसके बाद ये सब होता है। अब हत्या है आत्महत्या है ये गुत्थी उलझ गई है, गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कहना हत्या है, कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या है। ये अब पुलिस के ऊपर हो गया है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले की जांच करती है। पिता का जो लड़का है उसके पिता का आरोप यही है कि हत्या है, लड़की का कहने वाला लड़की के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, ये युवक ने खुद किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। बहरहाल इस तरह के मामले झकझोर देने वाले जरूर हैं कि क्या प्यार में इस तरह के कदम या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होना सही है। जांच चल रही है और आजकल के युवा इस तरह के ही कदम उठाते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि लड़की की हत्या कई बार कर देते हैं। शायद हो सकता हो आज गुस्से के इरादे से लड़का बदला लेना चाह रहा हो, 3 महीने जेल में रहा हो, इसी इरादे से घुसा हो और जब देखा कि वो नाकामयाब रहा और एक बार फिर से उसके ऊपर आरोप लग सकता है तो उसने शायद ये कदम उठा लिया। या फिर यह हो सकता है कि लड़का मिलने गया हो और लड़की के घर वालों ने उसे देख लिया, उसके बाद उन्होंने आकर इस तरह का कुछ कर दिया। अब ये तो जांच में खुल पाएगा कि क्या सच है, पुलिस जांच कर रही। आपके हिसाब से संभावनाएं क्या हो सकती हैं? मेरे हिसाब से संभावनाएं तो जो गांव वालों के मुताबिक है वो यही है कि लड़का मिलने गया था और घर वालों ने देखा है और उसके बाद ये सब पूरा केस हुआ। दूसरी संभावना यही है कि लड़का 3 महीने जेल में रह चुका था, वो अपना प्यार भूल नहीं पा रहा था, वो लड़की के साथ मिलने गया होगा जब, लेकिन लड़की ने मिलने से इनकार किया और लड़की अपने पिता के पास चली गई तो लड़के को लगा कि अब फिर से उसका बदनामी होगी, तो शायद उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि बार बार वो जिल्लत झेलनी पड़े, इससे अच्छा है कि वो अपनी जीवन लीला ही खत्म कर दे। क्या संभावनाएं हैं? ये दोनों संभावनाएं संभव हैं,
जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो पाएगा कि कौन सी संभावना ज्यादा सही साबित होती। ये खबर यूपी के उन्नाव जिले की थी। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बक्सीखेड़ा गांव की घटना है। अब जांच जारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।